नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल बीएड एग्जाम पर। और दोस्तों, आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वर्ष 2016 से लेकर अभी तक के, यानी कि वर्ष 2023 तक के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि हमारे असेसमेंट फॉर लर्निंग के पेपर में आए। तो ये जो क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, अगर आप असेसमेंट फॉर लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ऑफ लर्निंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कहीं से भी बीएड का पाठ्यक्रम कर रहे हो, ये प्रश्न आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। चाहे ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की बात करें, आप मगध यूनिवर्सिटी की बात करें, या किसी भी जगह के, क्योंकि प्रश्न तो समान ही रहते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर्स में, अलग अलग ईयर्स में हो सकता है ये पूछा जाए। तो आइए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए, कंटेंट चाहिए या पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। आइए मिलते हैं आगे। पहला ही क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, तो इसको हम समझते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होते हैं? ये कुछ इस तरह के रेफरेंस टेस्ट होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेसिफिकली एक फिक्स सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया के लिए। जैसे कि आपको बताता हूँ, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले को हम समझेंगे कि वो पास है या फेल है। उदाहरण के लिए, जैसे कि हम लोग ने देखा होगा कि जो हमारे टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, तो उसमें क्या होता है, 50 नंबर का टेस्ट होता है, और जो बच्चा उसमें 30 नंबर लेकर आता है वो पास माना जाता है। इसी तरह से वार्षिक परीक्षा, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, और एनुअल एग्ज़ाम में जो बच्चा 33 मार्क्स लेकर आता है हम बोलते हैं ही इज़ पास, और जो उनसे कम लेकर आता है हम बोलते हैं कि नहीं, आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है, अभी के लिए आप फेल माने जाओगे, लेकिन आप इम्प्रूवमेंट करो। तो जब एक प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम किसी का मेजरमेंट करते हैं, उसके परफॉर्मेंस को जज करते हैं, तो हम कहते हैं कि वी आर परफॉर्मिंग क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जिसे कि हम मापदंड या निष्कर्ष मापदंड या निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन कहते हैं। यह क्या है, देखिए, जब रॉबर्ट मेगर, जिनका नाम आप सब जानते होंगे, जिन्होंने कि राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव इन राइटिंग, जो राइटिंग था ना, कि आप जब पढ़ा रहे हो, एक टीचर के रूप में जब आप पढ़ाते हो, तो आप ये चाहते हो ना कि जब मैं पढ़ाऊँ कोई टॉपिक तो उसके बाद बच्चे को उस विषय के बारे में जानकारी हो, और उसके बाद जब मैं उसे कुछ प्रश्न पूछूँ तो उस टॉपिक के बारे में वो बताए। यानी कि आप पढ़ाने से पहले आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप चाहते हो कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो, उसके सोच में, उसकी जानकारी में परिवर्तन हो, तो आप उसके व्यवहार में परिवर्तन देखना चाहते हो, बिहेवियर में चेंजेस देखना चाहते हो। तो रॉबर्ट मेगर ने ही राइटिंग बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। तो उन्होंने कहा कि हम क्यों ना एक ऐसा पैटर्न लेकर आए मेजरमेंट का, जो कि हमें मदद करे एग्जैक्टली ये समझने में कि जो बच्चा है, जो उसे हम पढ़ा रहे हैं या जो सिखा रहे हैं, उसने सही में उन चीज़ों को सीखा है कि नहीं सीखा है। और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे ने वो चीज़ें सीख ली हैं, तो उसका क्या मापदंड होगा, उसका क्या क्राइटेरिया होगा। आइए पहले समझते हैं ना, ये एग्जाम्पल भी आप समझ जाओगे। तो इस मूल्यांकन को क्या कहते हैं, इस मूल्यांकन को शिक्षण नवाचार का एक माध्यम समझा जाता है, जो मेगर द्वारा प्रारंभ में किया गया था। इसके अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों तथा छात्रों की वांछित योग्यता दोनों को मिलाकर उपलब्धि का एक ऐसा मापदंड या एक ऐसी कसौटी हमें निश्चित कर लेनी चाहिए जो सबको मान्य हो। मतलब कि अगर हम बोलें कि जिस बच्चे ने क्लास में 35 मार्क्स लेकर आया है, वो इतनी योग्यता तो रखता है कि उसे अगली क्लास में भेज दिया जाए, तो वो जो 35 मार्क्स है, 35 अंक हैं, वो एक तरह का ऐसा मापदंड है जिसे सब स्वीकार करते हैं। सब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, 35 नंबर हैं तो ये बच्चा क्वालिफाई कर सकता है, इस बच्चे के अंदर इतनी योग्यता तो है कि अगले क्लासेस के लिए वो तैयार है अभी। तो इस मूल्यांकन विधि में क्या होता है कि छात्रों की उपलब्धि को एक पूर्व निर्धारित मापदंड बनाकर मूल्यांकन किया जाता है। अच्छा, मापदंड आधारित परीक्षण में प्रत्येक उद्देश्य की न्यूनतम स्वीकार्य उपलब्धि कितनी हो, यह पहले से ही निश्चित कर ली जाती है। मैंने आपको बताया कि जब हम लोग निष्कर्ष निर्धारित, यानी कि यहाँ पर जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, जब इसका हम लोग प्रोसेसिंग, मतलब इसको कंडक्ट करते हैं, तो हमें पहले से ही क्राइटेरिया सेट कर लेना है, और उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो परफॉर्म करेगा उसे पास, और जो नहीं करता उसे हम फेल डिस्क्लेयर करते हैं। तो निष्कर्ष संदर्भित, या फिर जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन प्राथमिक स्तर पर बहुत ही जरूरी है, जैसे कि प्ले स्कूल लेवल पर, नर्सरी लेवल पर, फिर प्री प्राइमरी, इस तरह के जो लेवल्स होते हैं उसमें, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम
बच्चों को मूलभूत अवधारणा विकसित करने में मदद करें। लेकिन हमने तो पूरा प्रयास किया, लेकिन बच्चे ने वो मूलभूत, कम से कम वो बेसिक मिनिमम लेवल अचीव किया है कि नहीं किया है, इसका आकलन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो प्राइमरी लेवल पर ये जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होता है, निष्कर्ष संदर्भित जो टेस्ट होता है, ये बहुत ही कारगर साबित होता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम इतना तो समझ जाते हैं कि हाँ, इस बच्चे को, उदाहरण से एक बच्चा नर्सरी में पढ़ता, तो अगर वो बच्चा ना ABCD बता सकता है, कुछ फ्लावर के नेम, कुछ एनिमल के नेम बता सकता है, काउंटिंग कर सकता है, नंबर्स आपको बता सकता है, तो आप समझोगे हाँ, इसको बेसिक लेवल का पता है, यानी कि अगली क्लास के लिए रेडी तो है। ऐसा नहीं कि एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है तभी आप कहोगे कैसे इंग्लिश आता। अगर वो वेजिटेबल के नेम इंग्लिश में बताता है, एनिमल्स के नेम इंग्लिश में बताता है, जगह के नाम इंग्लिश में बताता है, कुछ चीज़ें बेसिक अगर वो जानता है, तो आप कह सकते हो वो बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा, वो मिनिमम लेवल जो चाहिए होती है ना पढ़ने के लिए, आगे के अध्ययन के लिए, आगे की लर्निंग के लिए, वो तो बच्चे के अंदर है। तो यह न्यूनतम अधिगम स्तर किसी भी स्तर पर विद्यार्थी के मूल्यांकन का मापदंड बन सकता है, ठीक है, बेसिक मिनिमम लेवल। तो अर्थात निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन या पूर्व निर्धारित कसौटी या गुण के आधार पर हम दूसरे की उपलब्धि के स्तर की तुलना कर, हम यहाँ पर ना स्टूडेंट को दूसरे की कंपैरिजन नहीं करते कि क्लास में टॉपर इतना अच्छा कर रहा है तो इस बच्चे को भी हम उसके हिसाब से नहीं, मिनिमम लेवल हमने सेट किया, और क्लास में अगर हर बच्चा उस मिनिमम लेवल तक अचीव करता है, उतना स्कोर करता है, तो हर बच्चा पास होगा, यहाँ हमें टॉपर की तरफ देखने की जरूरत नहीं, ठीक है, एक ध्यान रखिएगा। ये टॉपर वाला कॉन्सेप्ट आप नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में देखोगे, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो यह एक निरपेक्ष मूल्यांकन, यहाँ पर किसी की कंपैरिजन नहीं की जाती किसी के साथ में, यहाँ पे इंडिविजुअल असेसमेंट होता है, ये प्राइमरी लेवल पर बहुत कारगर होता है। तो मानदंड संदर्भित मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार को एक से अधिक क्षेत्रों में उजागर करता है। अब जब मानदंड संदर्भित परीक्षा यानी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट की बात करते हैं, तो इसका एडवांटेज ये है कि ये छात्र की सिर्फ एकेडमिक फील्ड में ही एवेल्यूएशन में मदद नहीं करते, ये म्यूजिक में, स्पोर्ट्स में, कम्युनिकेशन स्किल में, हर एक फील्ड में हम शायद तो स्टूडेंट का क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के साथ में उसकी स्किल का मेजरमेंट कर सकते हैं। कुछ शिक्षण शास्त्रियों ने निष्कर्ष यानी क्राइटेरियन शब्द को छात्रों की योग्यता के वांछित यानी डिजायर्ड लेवल ऑफ लर्निंग एबिलिटी के रूप में भी इसको एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया है। इसके अनुसार अधिगम के पूर्व छात्रों की योग्यता का एक वांछित स्तर निश्चित कर लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक आर्मी का टेस्ट हो रहा है या आपके स्कूल का एग्जाम हो रहा है, तो आप जब बोलते हैं ना कि 33 मार्क्स लाओगे तो आप पास है, इसी तरह आर्मी का जब रनिंग का होता है, तो जो बच्चा 10 मिनट में 3 किलोमीटर दौड़ ले, मतलब या फिर 2 किलोमीटर जो भी होगा, उसे हम रनिंग में क्वालिफाइड मानते हैं। अगर कोई 3 मिनट में कर ले या 7 मिनट में कर ले, वो भी क्वालिफाई है, लेकिन 9 मिनट में करेगा वो भी क्वालिफाइड है। तो यहाँ पे क्वालिफाई करने का सेट है कि 10 मिनट में आपको 3 किलोमीटर दौड़ना है या 2 किलोमीटर जो भी होगा, अगर आप इतना करते हो तो क्वालिफाई करोगे। तो सेम यही चीज़ आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट बोलता है कि बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ चीज़ें जो हमें फुलफिल करनी है। अतः हम इसीलिए जो निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन है, इसे हम छात्रों के निर्धारित उद्देश्यों को किस समय तक, किस हद तक उन्होंने प्राप्त किया, इसका मूल्यांकन करने के लिए भी करते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ है हमारा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, ऊपर तक क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, जहाँ की क्राइटेरिया हमने पहले सेट कर लिया और उसके आधार पर जो भी लर्नर है या उसकी एबिलिटी को हम जज कर रहे थे, यहाँ पे किसी दूसरे स्टूडेंट के या ग्रुप के कंपैरिजन में नहीं कर रहे थे। लेकिन जब नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में आते हैं, यहाँ पर हम करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। ए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज अ टाइप ऑफ असेसमेंट विच यील्ड्स एन एस्टिमेट ऑफ पोजिशन ऑफ द टेस्टेड इंडिविजुअल इन प्रीडिफाइंड पॉपुलेशन ऑफ द कैंडिडेट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड बिंग मेजर्ड। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, तो हम उसमें जो मान लीजिए टॉपर बच्चे हैं या आपका क्लास का जो टॉपर है, तो उस एक बच्चे के कंपैरिजन में हम दूसरे बच्चों का इवैल्यूएशन करते हैं कि टॉपर के अगर मान लीजिए मैथ में 90 नंबर आए हैं, तो दूसरे बच्चों के कितने आए, अगर किसी के 30 आए हैं तो यानी कि खराब परफॉर्मेंस है, किसी के 85 आए हैं तो मतलब आपने अच्छा किया, और जो 90 लेकर आता है बोलते आपने भी बहुत अच्छा किया, आप भी टॉपर हो। तो एक इंडिविजुअल से कंपैरिजन करते हैं, जो कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में नहीं करते। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट इज यूज्ड इन एजुकेशन दैट अलाउज टीचर टू कंपेयर ए स्टूडेंट रिजल्ट टू समवन एल्स इन देयर पीयर ग्रुप। तो आप ही के जैसा जो आपका दोस्त होगा जो आपकी क्लास में पढ़ रहा है, आपका परफॉर्मेंस अगर वो टॉपर है तो उससे कंपेयर किया जाएगा।
तो टेस्ट जो भी कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया लेवल पे जेई बैंकिंग आईएएस कैट मैट इस तरह, जिसमें परसेंटाइल स्कोर दिया जाता है, वो सब क्या होते हैं? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं। आपका परसेंटाइल अगर 52 है, मतलब आप जो है जितने 100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया उसमें आपका परफॉर्मेंस 52 है, यानी कि आपसे आपने 52 बच्चों से अच्छा किया हुआ है। तो यह मूल्यांकन की क्या है? एक पारंपरिक विधि है, ये काफ़ी पुरानी विधि है। इसमें मूल्यांकन किसी मानक नॉर्म बिंदु या किसी वर्ग या के समान उत्तरों पर आधारित होती है। नॉर्म मतलब क्लास के टॉप 3 बच्चों से हम कंपेयर करेंगे बाकी बच्चों को, या फिर हम बोलते हैं ना कि जैसे बेस्ट होता है तो हम बोलते हैं कि उससे कंपेयर करेंगे कि जो बच्चा 3 मीटर जंप करता है वही बेस्ट कहलाएगा, जो नहीं कर पाएगा वो बेस्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, जो 3 मीटर करेगा उस पॉइंट को हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। तो इसमें एक विशेष वर्ग जिसे कि मानक कहते हैं, रेफरेंस कहते हैं, की उपलब्धि को ध्यान में रखकर परीक्षा के परिणाम की व्याख्या की जाती है। यहाँ पर वर्ग जो एक क्लास है जिसके कंपैरिजन में हम दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ पर वर्ग एक मानक वर्ग होता है और उसके संदर्भ में ही परिणाम को देखा जाता है। मानक संदर्भित मूल्यांकन किसी निश्चित कटौती को कसौटी को ध्यान में रखकर किया जाता है। निश्चित कसौटी का मतलब वही है कि जो बच्चे क्लासरूम में जो है 90% लेकर आएंगे वो अच्छे बच्चे हैं, जो नहीं लाएंगे उनकी अभी और मेहनत करने की ज़रूरत हो, जो बहुत कम लेकर आएंगे तो एक क्राइटेरिया सेट किया, 70 वाला एवरेज है, 50 वाला बिलो एवरेज है, 85 वाला वेरी गुड है, तो इस तरह से हम उसको करते हैं, क्योंकि क्लास के टॉपर ने भी ऐसा ही किया हुआ है। तो उदाहरण स्वरूप एक उदाहरण देता हूँ आपको, मान लीजिए क्लासरूम में आपके 40 बच्चे और आपको उनका मूल्यांकन करना है, तो सबसे उच्च उपलब्धि वाले बच्चे को मानक मानकर हम जो बाकी के 39 बच्चे हैं 39 स्टूडेंट्स हैं उनका हम उनके कंपैरिजन में इवैल्यूएशन करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कक्षा में कोई 1, 2, 3 रैंक के बच्चे हैं, तो यहाँ रैंक 1 वाली उपलब्धि को हम मानक मानकर दूसरे बच्चों की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। तो क्राइटेरियन रेफरेंस आपको समझ आए, तो वहाँ पे क्राइटेरिया पहले से सेट था, यहाँ पर हो सकता है ये जो क्राइटेरिया है ना, मतलब नॉर्म है, हो सकता है अब यहाँ इसका एक डिसएडवांटेज मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए क्लास ए है, क्लास ए में जो टॉपर है वो 90% लेकर आए, क्लास बी है वहाँ का टॉपर 75% वाला है, और क्लास सी है वहाँ का टॉपर जो है 95% लेकर आया, तो आप देख रहे हो कि ये जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है इसमें एक खामी दिख रही है कि आप बेहतर क्वालिटी को जज करना थोड़ा मुश्किल होता। हाँ, आप ये तुलना तो कर देते हो टॉपर की तुलना में, लेकिन मान लो आपकी क्लास का टॉपर ही 50 अंक लेकर आ रहा है, तो क्या वो अच्छा मूल्यांकन हुआ? नहीं हुआ। तो कई बार ये जो दूसरे की तुलना में हम दूसरे का परीक्षण करते हैं या मूल्यांकन करते हैं वो कई बार सटीक नहीं रहता, और इसी कमी को दूर करने के लिए जो है रॉबर्ट मेगर द्वारा जो सुझाया गया था हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता, वो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को देखा जाता ना कि दूसरे की तुलना में। मान लीजिए एक बच्चा है और वो 50 नंबर से ज़्यादा लेकर आता है आपकी क्लास में, लेकिन आपके क्लास का टॉपर जो है वो 80% वाला टॉपर और आप जो है 70 लेकर आते हो, तो यहाँ पर तो आपका परफॉर्मेंस ख़राब है। क्लास दूसरी, क्लास बी में एक टॉपर है जो 55% लेकर आया और आप 75% हो, तब भी आप बिलो ही हो, क्योंकि आप तो अपने क्लास के टॉपर के हिसाब से कम लेकर आए हो। तो कई बार ये कन्फ्यूजन ना हो कि टॉपर से कंपेरिजन की वजह से कई बार हम इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस को कम ना आके, इस कमी को दूर करने के लिए जो है आप देखोगे कि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का इस्तेमाल होता है, जहाँ कि व्यक्तिगत परीक्षण होता है ना कि समूह के संदर्भ में होता है। इसको हम लोग और डिफरेंस करके भी देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है आपसे, देखिएगा, गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ, वर्ष 2016 और 17 में पूछा गया। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो IQ है इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंटेलिजेंट क्वोशेंट, और ये सबसे पहले इट वाज कॉइंड बाय द जर्मन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था विलियम स्टर्न। तो ये CTET UPTET जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी स्टेट के एग्जाम में वहाँ पे पूछा जाएगा, तो विलियम स्टर्न का नाम याद रखिएगा, 1912 में इन्होंने किया था। दूसरा, IQ का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट क्वोशेंट। इंटेलिजेंट क्वोशेंट क्या है, अगर हम लोग मैथमेटिकली बोलें इसको, गणित के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना चाहें, तो मान लीजिए एक बच्चा है जिसकी उम्र है 7 साल, लेकिन जब वो प्रश्नों को हल करता है वो तो 10 वर्ष के बच्चे की जैसा हल कर लेता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी हो गई, मेंटल एज कितनी होगी, 10 ईयर्स। उसकी वास्तविक आयु क्रोनोलॉजिकल ईयर कितनी है, 7 ईयर। तो IQ का जब फॉर्मूला निकालेंगे तो वहाँ पर देखिएगा, यहाँ मैं बता देता हूँ, मेंटल एज डिवाइडेड बाय एक्चुअल, यानी कि IQ के लिए फॉर्मूला क्या है कि जो मेंटल एज है, यानी कि बच्चा है तो 7 साल का लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा 10 साल की, तो
मेंटल एज इसकी क्या होगी 10, तो 10 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एज यानी कि 7, तो 10 बाई 7 जो भी रेशियो आएगा मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे तो हमें IQ निकल के आ जाएगा। और IQ का जब मेजरमेंट करते हैं तो इसमें हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी देखते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी को भी देखते हैं। अच्छा, IQ से पता क्या चलता है? IQ से पता चलता है कि आपके अंदर लॉजिक लगाने की कितनी अच्छी एबिलिटी है, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना अच्छे से कर सकते हो, सडनली कोई कितना बढ़िया सॉल्यूशन देख सकते हो और कितने अच्छे तरीके से किसी सिचुएशन में आप अपनी इंफॉर्मेशन, जानकारी और लॉजिक का इस्तेमाल करके एक सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, एक आप कर सकते हो, एक बीच का रास्ता देख सकते हो। ठीक है, तो इससे पता ये चलता है कि किसी व्यक्ति का दिमाग कितना अच्छा काम करता है अगर अलग अलग परिस्थितियों में उसे रख दिया, वो अपने दिमाग का, अपनी सूचनाओं का किस तरह से प्रोसेस करके एक सही निर्णय लेने के में आपका सक्षम है। तो मानसिक क्षमता का आकलन करने के लिए, उसकी लॉजिकल थिंकिंग, उसकी लॉजिकल रीजनिंग पावर का मेजरमेंट करने के लिए हम लोग IQ लेवल का जो है यूज़ करते हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी IQ, जैसे कि 130 के ऊपर जितने लोग होते हैं उनको हम लोग बहुत इंटेलिजेंट बोलते हैं, उनको ब्रिलियंट माइंड बोलते हैं। 70 के नीचे आ जाएं, 50 वाले रेंज में आ जाएं, उनको हम लोग डम बोलते हैं, एकदम मूढ़ बुद्धि बोलते हैं। तो इस तरह से IQ के लेवल पे ना मेंटल कैपेसिटी का भी एक कैटेगराइजेशन किया गया, वो हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन में ज़रूर पढ़ेंगे। अगला है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, आपको कुछ पढ़ाया गया था, आपने उसमें से कितना अचीव किया, मतलब आपको मैंने पूरे एक महीने एक टॉपिक पढ़ाया, मतलब एक हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर को पढ़ के आपने उसमें से क्या अचीव किया, आपको क्या उसमें से समझ में आया, आपने क्या एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, उसे बोलते हैं अचीवमेंट। तो एन अचीवमेंट टेस्ट क्या है, इज डिज़ाइन टू मेजर ए पर्सनल लेवल ऑफ स्किल अकम्प्लिशमेंट और नॉलेज इन अ स्पेसिफिक एरिया। इसको थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ आपको। तो एक उपलब्धि परीक्षण क्या है, एक विशिष्ट क्षेत्र में किसी व्यक्ति के कौशल, उपलब्धि या ज्ञान के स्तर को मापने के लिए डिज़ाइन किया गया परीक्षण है। यानी कि अगर क्रायल ड्राइविंग आप सीख रहे हो, बैडमिंटन खेलते हो, म्यूज़िक सीख रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में जब एक निश्चित समय अवधि तक आप चीज़ों को सीखते हो तो आपका एक अचीवमेंट टेस्ट होता है, उपलब्धि परीक्षण होता है। इसलिए कि आपने एक महीना सीखा है तो उसमें एक महीने में जो चीज़ें सिखाई गई थी 30 दिन तक या 25 दिन तक, उसमें आपने कितना ग्रहण किया, 100 में से आपने कितनी बातें सीखी, 100% में से आपका कितना परसेंटेज अचीव हुआ है, 70, 80, 90, 100 या 30, 40 कुछ भी। तो अचीवमेंट टेस्ट ये बताता है कि जब आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आपको कुछ सिखाया जाता है, आप उसमें से कितना एक्सेप्ट कर रहे हो, अचीव कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो। तो उपलब्धि परीक्षण छात्रों के वर्तमान स्तर के ज्ञान और कक्षा निर्देशों से प्राप्त कौशल का मूल्यांकन करने के लिए बहुत उपयोगी है। आप एक टीचर हो, आप पढ़ा रहे हो, तो आप भी तो जानना चाहोगे भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे समझ रहे हैं तो कितना समझ रहे हैं। तो इसीलिए आप वीकली अचीवमेंट टेस्ट लेते हो, मंथली अचीवमेंट टेस्ट लेते हो, ताकि आपको भी पता चले कि जो आप पढ़ा रहे हो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप अपने तरीके बदलते हो, बच्चों को समझाने के अलग अलग विधियाँ बदलते हो, शिक्षण सहायक सामग्री में बदलाव लाते हो। तो उपलब्धि परीक्षण टीचर के साथ साथ छात्र के लिए भी उतना ही उपयोगी है। छात्र को भी पता चलता है कि मैंने कितना सीखा और मुझे अब कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप देखोगे कि जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं उपलब्धि परीक्षण, वो भाषा के ज्ञान के लिए, आप कोई विषय पढ़ रहे हो, विज्ञान, भूगोल, गणित, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी भाषा पढ़ रहे हो या कोई अंक गणित पढ़ रहे हो, तो इनमें जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको आप किस हद तक सीख पाए हो, इसकी जाँच के लिए उपलब्धि परीक्षण ली जाती है। तो प्रत्येक परीक्षण यह मापता है कि छात्र किसी शैक्षिक विषय या कौशल में अपने ज्ञान को कितने अच्छे स्तर तक प्राप्त कर चुका है। उपलब्धि परीक्षण छोटे स्तर पर बड़े ही कारगर होते हैं, जैसे क्लास में आप जैसे ना वीकली टेस्ट हो जाता है, मंथली टेस्ट, इससे फ़ायदा क्या होता है, टीचर को भी पता चलता रहता है कि भाई मेरा स्टूडेंट कितना सीख रहा है, मुझे क्या नए बदलाव कर रहे हैं, कितना और एफर्ट लगाना है, क्या मुझे रिवाइज करना है, क्या मुझे रेमेडियल क्लासेस लेनी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको अपने स्टूडेंट्स के बारे में पता चलता है। तो इसीलिए अचीवमेंट टेस्ट होना बहुत ज़रूरी भी है और इससे इम्प्रूवमेंट होता है स्टूडेंट को भी और टीचर को भी। अगला प्रश्न, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरव्यू टेक्निक्स। देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर एक साक्षात्कार क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के मौखिक प्रश्न पूछकर प्रतिक्रियाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके जानकारी के बारे में, उसके कौशल के बारे में और उसके अनुभव के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो ये एक तरह का टेस्ट है, एक तरह का आप समझ लें असेसमेंट है, जिसमें कि हम किसी की पर्सनालिटी को जज कर सकते हैं, उसके नॉलेज, उसके स्किल के बारे में
जानने का प्रयास करते हैं। साक्षात्कार तकनीक का उपयोग खासतौर पर नौकरी वगैरह या किसी चीज़ में जब 10-20 लोगों के समूह में से कुछ लोगों को ही सेलेक्ट करना होता है, ऐसे स्थान पर किया जाता है। तो साक्षात्कार तकनीक का प्रयोग नियोक्ता या साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा उनके विशेष संगठन में किसी विशेष व्यक्ति की जो है सफलता के लिए उम्मीदवार की क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। जैसे मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ तो मेरा इंटरव्यू होगा और जो इंटरव्यूअर होंगे मेरी टीचिंग एबिलिटी का टेस्ट लेंगे, मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, वर्बल क्वेश्चन, मेरी पर्सनैलिटी के लेकर, मेरे एजुकेशन को लेकर। तो ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो इसलिए होती है कि जो मैं रिस्पॉन्स दूंगा, जो मैं बताऊंगा, उससे वो समझ पाएंगे कि एक टीचर बनने के लिए मेरे अंदर कितनी जानकारी है, कितना अनुभव है, कितना कौशल है, ताकि मैं वो चीज़ें एक टीचर के रूप में सही से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ये नियोक्ता को आवेदक के कौशल के बारे में, उसके अनुभव और उसके व्यक्तित्व का आकलन करने में सहायक होता है, मदद करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो कि कई बार 2016, 17 और 19 में पूछा गया था, तो इस बार भी बहुत ज़रूरी है कि आ सकता है। पूछा गया क्वेश्चन बैंक क्या, जैसा कि नाम से ही पता चला क्वेश्चन का संग्रह, क्वेश्चन का बैंक। एक प्रश्न बैंक क्या है, प्रश्नों का संग्रह है जिसे आप बार बार उपयोग के लिए तैयार करते हैं। हम अपने पाठ्यक्रम में मूल्यांकन के लिए भी प्रश्न बैंक से कुछ प्रश्न निकाल कर उसका उपयोग कर सकते हैं। प्रशिक्षक हो या एक शिक्षक क्लास में पढ़ाने वाला शिक्षक हो, आमतौर पर प्रश्नों का एक डेटाबेस तैयार करते हैं। उसमें अलग अलग स्तर के, अलग अलग प्रकार के, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का जो एक संकलन करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं और उनका उपयोग करते हैं। वो अलग अलग स्तर पर, अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए, अलग अलग स्तर के एग्ज़ाम के लिए पेपर बनाने के लिए। और ठीक यही क्वेश्चन बैंक जो है छात्रों के लिए भी काम आता है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न दिए होते हैं अलग अलग स्तर के, अलग अलग प्रकार के, उनकी तैयारी अच्छे से कर एक छात्र जो है अपने तरीके से संतुलित माध्यम से कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं किसी भी क्वेश्चन बैंक में, और उनको सॉल्व करके जो कि पूरे पाठ्यक्रम को कवर करते हैं। इनको सॉल्व करने से आप क्या करते हो, पूरे पाठ्यक्रम के बारे में जान जाते हो, पूरे पाठ्यक्रम से आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लेते हो, तो आप पूरे सिलेबस के बारे में अपनी जानकारी को अच्छे से बना लेते हो। तो पूरे पाठ्यक्रम को कवर करने के कारण ही प्रश्न बैंक बहुत ही एक अच्छे माध्यम है किसी भी छात्र के लिए, किसी भी शिक्षक के लिए, शिक्षण की प्रक्रिया के लिए। प्रश्न बैंक आमतौर पर बहुत ही विशेषज्ञ लोगों द्वारा जो विषय का ज्ञान रखते हैं या जिस विषय पर प्रश्न बनाए गए हैं, प्रश्न बैंक बनाए, उस विषय में उनको महारत होती है, उसमें उन्होंने अध्ययन कराया होता है, पढ़े हुए होते हैं, उन्होंने रिसर्च किया होता है, पहले भी प्रश्न बनाए होते हैं, तो वो लोग इसको बनाते हैं। परीक्षण या परीक्षा का मूल्यांकन की तैयारी करने वाला छात्रों के लिए प्रश्न बैंक मूल्यवान साधन होते हैं। वे प्रश्नों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं जो विभिन्न विषयों को कवर भी करते हैं, और जैसी ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से वहाँ से प्रश्न निकालकर अपने छात्रों के समक्ष एक छोटा सा टेस्ट रख सकते हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो प्रश्न बैंक कहीं ना कहीं छात्र और टीचर के लिए बहुत ही उपयोगी चीज़ें हैं। अगला है स्टेट एजुकेशनल यूजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो सांख्यिकी विषय है इसका शैक्षिक उपयोग आपको यहाँ पर बताना है। तो आइए हम लोग इसको यहाँ पर देखें। देखिए दोस्तों, जो सांख्यिकी विषय है एक्चुअली इससे क्या होता है कि जो शैक्षिक मूल्य मतलब आप लोग इवैल्यूएशन करते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन करते, उसमें एक विश्वसनीय और वैध डेटा इकट्ठ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, मतलब कि सांख्यिकी में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास में क्लासरूम में आपके स्टूडेंट्स का डेटाबेस है, तो उसको अगर आप एक ग्राफिकल फॉर्म में रख दो, ग्राफ फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में आप किसी को बताते हो, तो कोई भी आराम से उस डेटा को समझ सकता है। आप अगर हर एक बच्चे को अपने क्लासरूम में उसके मार्क्स अगर किसी टीचर को, प्रिंसिपल को या उनके अभिभावकों को बताओगे तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर आप एक चार्ट बना दो, 30 बच्चे हैं और 300 बच्चों का एक चार्ट बना दो परसेंटेज के फॉर्म में, तो टीचर या कोई भी पेरेंट है अपने बच्चे का ग्राफ देखकर समझ जाएगा कि मेरा बच्चा क्लासरूम में कहाँ पे स्टैंड करता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सरल तरीके से अपनी बात को रखना और डेटा को सही तरीके से समझने में कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स काम आता है। यह छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत ही सरल तरीका है। सर्वेक्षण, परीक्षण और प्रश्नावली जैसे मूल्यांकन उपकरणों को डिजाइन करने में भी मदद करता है। जैसे आप एक सर्वे कर रहे हैं, उसमें जो डेटा मिला उसको सही से समझने में मदद करेगा। और कहीं आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन का यस नो में कैसा रिस्पॉन्स आया, नेगेटिव रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जब इन चीज़ों को आप ना स्टैटिस्टिक के फॉर्म से अलग अलग, जो हमारे पास टूल है, चाहे जैसे पाई चार्ट है, ग्राफ है, या फिर हमारे पास में बार ग्राफ है, या जो भी परसेंटेज है, एवरेज है, मीन है, मोड है, मीडियन है,
इन सब तरह के टूल्स के इस्तेमाल से जब इनको रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वो डेटा बड़ी इंफॉर्मेटिव और बड़े काम की हो जाती है। सांख्यिकी गणना और व्यवस्थित तरीके से डेटा के संग्रह और प्रस्तुति में मदद करती है। सांख्यिकी छात्र डेटा को व्यवस्थित करके शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को अधिक कौशलपूर्ण बनाती है, यानी कुशल बना देती है। विभिन्न सांख्यिकी उपकरण जैसे कि मैंने बताया मीन, मोड, मेडियन यानी कि माध्य, बहुलक, इस तरह के जो टूल्स हैं हमारे पास में, या फिर हमारे जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाली चीज़ें हैं, या फिर डेविएशन है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करके डेटा से बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हो। शिक्षण विधियों को प्रभावी ढंग से मूल्यांकन करने के लिए भी सांख्यिकी एक विशेष मूल्यांकन विधि के रूप में आपके सामने आती है, क्योंकि शिक्षण विधियाँ कितनी प्रभावशाली हैं, 5 विषय पढ़ाए जा रहे हैं और अलग अलग टीचर के प्रभावशालीता को आपको पता करना है, तो आप बच्चों के मार्क्स को प्लॉट करिए ग्राफ पर, उससे आपको समझ आए कौन सा टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको करने में आसानी होती है। सांख्यिकी गणितीय शब्दों ग्राफिकल रूप में अवधारणों को बहुत ही सरल तरीके से प्रेजेंट करने में मदद करता है। आप आराम से समझ जाते हो, आप चार्ट देख के ना समझ जाते हो, ग्राफ देख के समझ जाते हो, आपको डेटा को अगर अच्छे से परसेंटेज में लिखा तो देख के समझ जाते हो। तो ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स के यूज है। जो हमारी सूचनाएं हैं उनको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में रखते हैं तो उन्हें समझना, उनसे जानकारी लेना आसान होता है और उनको हम भविष्य में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सांख्यिकी अध्ययन को अधिक प्रतिक्रियाशील और अनुभवज्ञ यानी कि ज़्यादा यूजफुल बनाती है, ज़्यादा रिपीटेटिव यूज करने के लायक बना देती है। आगे पूछा गया व्हाट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। सो अब देखिए यहाँ पे बताओ, ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज ए सिंगल वैल्यू दैट अटेम्प्ट्स टू डिस्क्राइब ए होल सेट ऑफ डेटा बाय आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल पोजिशन विद इन द डेटा सेट, विद इन द सेट ऑफ द डेटा। द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डेटा सेट इज जनरली द सेंट्रल वैल्यू और द मोस्ट ऑकरिंग वैल्यू दैट गिव्स अ जनरल आइडिया ऑफ द होल डेटा सेट एंड इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आई समझा देता हूँ। देखिए जो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है ना, वो एक ऐसी संख्या, एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी एक डेटा सेट में। मान लीजिए आपके क्लासरूम में 10 बच्चे हैं और उनके किसी टेस्ट में स्कोर है, मान लीजिए 30 नंबर का टेस्ट हुआ 10 बच्चों का, तो सबने अलग अलग नंबर लिए होंगे, सबने अलग अलग नंबर लेकर आए होंगे वो टेस्ट में। तो इन सभी बच्चों का जब आप एक तरह से सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करोगे, सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मीन, मोड, मीडियन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहते हो कि आप ये जानना चाहते हो कि सबसे ज़्यादा अंक जो है, मतलब कौन सा अंक जो है सबसे ज़्यादा बच्चे लेकर आए। मतलब आप बोलते हो ना कि क्लास में ज़्यादातर बच्चे जो है 30 नंबर में 25 नंबर लेकर आए, तो 25 क्या हुआ, सेंट्रल टेंडेंसी है वो अंक जिसके आसपास ज़्यादातर, कुछ बच्चों के 23 होंगे, कुछ के 22 होंगे, कुछ के 25 होंगे, किसी के 26 और 27 भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के अंक जो है 24.5, 25, 25.5, 25.6। तो 25 क्या है, एक सेंट्रल नंबर है, वो पूरे बच्चों के मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लास का एवरेज क्या है, वो 25 आ रहा है, ज़्यादातर बच्चे 25 अंक के आसपास ही लेकर आए। तो 25 क्या है, आपका एक सेंट्रल नंबर हो गया, सेंट्रल टेंडेंसी, 25 पूरे डेटा सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक एकल माप है जो डेटा सेट के उस सेट के भीतर केंद्रीय स्थिति को पहचान करके डेटा के एक सेट का वर्णन करने का प्रयास करता है। अब जैसे मैं 25 बोलता हूँ तो आप समझ गए कि 10 बच्चों में 10 बच्चों का औसत नंबर क्या है, 25 है, तो यानी कि ज़्यादातर बच्चे ने अच्छा ही किया है, 25 नंबर लेकर आए 30 में तो अच्छा ही किया है। इसका उपयोग डेटा मानों के एक सेट या केंद्र या माध्य के प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाता है। अब देखिए डेटा सेट को निकालने का बहुत अलग अलग तरीका है, आप इसमें मीन, मोड, मेडियन यानी कि माध्य, माध्यिक या बहुलक निकाल सकते हो। बहुलक मतलब कि मोड होता है, तो आप देखो अगर क्लास में ज़्यादातर बच्चे 25 नंबर लेके आए तो आप उसको बोलोगे मोड, माध्यिका आपको पता मीडियन, और मीन का मतलब एवरेज होता ही है आपका। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो और ये आपको बताता है कि ज़्यादातर वैल्यू कहाँ पर इकट्ठा। मैं आपको और समझा देता हूँ, इस तरह से ना एक ग्राफ भी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए टेस्ट हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए आप जैसे ये नंबर है आपका, यहाँ पर ये मान लीजिए 25 है, तो अगर आप प्लॉट करोगे ना बच्चों के नंबर को, तो आप देखोगे कुछ बच्चों के इधर है, यहाँ पे आप देखोगे 22 है, इधर आपका 20 है, यहाँ पर हो सकता है 27 है और इधर आपका 30 भी है। तो
जब आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालोगे तो आप देखोगे सेंट्रल टेंडेंसी का प्लॉट भी कुछ ऐसे होगा, और ये कहाँ पर सेंट्रल होगा, ज़्यादातर नंबर यहाँ पर ही होंगे, यानी ज़्यादातर बच्चों के अंक इसी कहीं बीच में आसपास होंगे, किसी के 24.5, किसी के 25। तो ये क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और ये बेल शेप का बनता है आपका, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बैकग्राउंड के चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों, मुझे देखिए मेरी बातों को सुनिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, देखिए जब आप ऊपर मैंने जो आपको ग्राफ दिखाया था ना, जब आपका जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बताता है कि हाउ डिस्पर्स द डेटा इज इन रिलेशन टू द मीन। अब मान लीजिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि जैसे हमने क्लास के 10 बच्चों वाली अभी एग्जाम्पल ली थी, मान लीजिए हमने एक क्लास के 10 बच्चों का एक ग्राफ प्लॉट किया इस तरह से, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये सिग्मा इधर भी होता है, इसको माइनस सिग्मा बोलेंगे, और इधर आपका प्लस सिग्मा होता है। तो ज़्यादातर बच्चों के अंक तो यहाँ पर ही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, ये बताता है कि आप मीन से, ये मीन जो है यानी कि जो माध्य संख्या जो 25 हमारा था पिछले उदाहरण में जो हमने बताया, 25 से आप इधर जा रहे हो यानी कि 30 की ओर, तो कितने बच्चे हैं जो 25 से ज़्यादा नंबर लेकर आए, और कितने बच्चे जो हैं 25 से कम लेकर आए, इसके बारे में बताता है आपका। तो अब दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए आपको, एक मिनट। हाँ, एक मानक विचलन इस बात का माप है कि माध्य से संबंधित डेटा कितना फैला हुआ, यानी 25 से वो नंबर कितना दूर है, 27 है तो 2 अंक दूर है, 28 है तो 3 अंक, 25 से 30 बहुत दूर है यानी कि 5। तो फैलाव को बताता है, एक निम्न मान जब निम्न आपका यानी बहुत कम मानक विचलन करता है कि डेटा बिल्कुल पास में, निम्न मानक विचलन कौन सा होगा, जैसे कि 24.5 या 25.9 या 26, ये निम्न मानक। लेकिन जैसे बोलते हैं हम लोग 20 अंक, 18 अंक, 15 अंक या 30 अंक, तो ये विचलन थोड़ा दूर हो गया, 25 से हम दूर हुए ना, तो मानक विचलन इस केस में क्या हुआ, दूर हो गया। तो मानक विचलन को अंकगणित की माध्य से ली गई श्रृंखला के सभी मानों के विचलन के वर्ग के रूप में, वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है। फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ, मानक विचलन का अगर आपको गणना करना है तो आपको क्या करना है, एक मानक विचलन का सूत्र है, इसमें सिग्मा क्या, मानक विचलन, ये जो सिग्मा दिख रहा है आपको, दिखा देता हूँ मैं आपको, सिग्मा क्या है, ये मानक विचलन है, और यहाँ पर एक्स जो है ये देखिएगा, यहाँ पर ये जो एक्स है, ठीक है, यह वह डेटा बिंदु है जिसे हम सेट में हल कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो सिग्मा है ये माध्य है, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेटा, जैसे मैंने बताया था कि 10 बच्चे, तो 10 एन की जगह पर क्या हो गया, 10 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन, यानी कि शिक्षा में सहसंबंध के आपके महत्व के बारे में आपको बताना है। देखिए, परीक्षा स्कोर और प्रदर्शन के बीच में एक सहसंबंध हम समझ सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चा अच्छा नंबर लेकर रहा, इसका क्या संबंध है पढ़ाई के साथ, मतलब बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से की, तो शिक्षा में सहसंबंध का ये मतलब आप समझ सकते हो, इस तरह से प्रयोग कर सकते हो कि परीक्षण स्कोर और प्रदर्शन के अन्य उपायों के बीच संबंध के रूप में आप एक तरह से मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में सहसंबंध बहुत महत्वपूर्ण है। आप रिजल्ट देख के ये बता सकते हो कि बच्चा कितने बेहतर तरीके से समझ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा में कोरिलेशन जो एक विधि है, इसके माध्यम से आप चीज़ों को जोड़ कर देख सकते हो, जैसे कि अच्छे अंक है तो आप उसको बच्चे के प्रदर्शन के साथ जोड़ोगे, तो अच्छे अंक का मतलब क्या है कि बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, उसकी शिक्षण अच्छे से हो रही है, वो अच्छे से चीज़ों को अचीव कर रहा है, अच्छे से सीख रहा है, प्रदर्शन खराब है तो आप कोरिलेट करोगे क्या, बच्चा ठीक से नहीं पढ़ रहा। तो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट आपको एक विषय को या एक तथ्य को दूसरे तथ्य के साथ जोड़कर दोनों को एक साथ निष्कर्ष के रूप में समझने में मदद करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अब नहीं बोलते हो कि यार ये इंग्लिश अच्छी बोल रहा है, मतलब ये अच्छे स्कूल में पढ़ता होगा, तो इंग्लिश बोलने से आपने उसको कोरिलेट किया क्या एक अच्छे स्कूल के साथ में, ये बच्चा बहुत ही संस्कारी है, अच्छी बातें करता है, धार्मिक बातें करता है, बड़ों की सेवा करता है, बड़ों का सम्मान, यानी कि इसके संस्कार अच्छे होंगे, तो आपने क्या किया बच्चे के व्यवहार को अच्छे संस्कार के साथ जोड़ा, इसके माता पिता अच्छे हों, तो कोरिलेट करने में मदद किया। तो शिक्षा में कोरिलेशन आपको मदद करता है कुछ तथ्य और आंकड़ों को दूसरे तथ्य और आंकड़ों के साथ जोड़कर देखने में, ठीक है। तो सहसंबंध की सहायता से किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता का सही अंदाजा लगाना संभव है। मान लीजिए एक व्यक्ति अगर 2 दिन में कोई निश्चित कार्य को कर लेता तो आप समझोगे यार 10 दिन में तो पूरा काम कर ही लेगा, तो आपने उस 10 दिन में वो कार्य कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए उसके 2 दिन के कार्य का इस्तेमाल किया, और उस कार्य का सहसंबंध भविष्य के होने वाले कार्य के साथ में किया। तो 2 या 2 से अधिक पदों के बीच सहसंबंध स्थापित करके हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। आखिरी प्रश्न है वर्ष 2016 से, डिफाइन नॉर्म यानी कि जिन्हें हम रूल या एक्सपेक्टेशंस भी कहते हैं।
तो देखिए, नियम या अपेक्षाएं जो किसी भी संस्कृति, किसी भी शिक्षा व्यवस्था या किसी भी प्रणाली में देखने को मिलती, किसी समाज या समूह के अंदर होती, ये क्यों होते हैं? ताकि हम उनके अनुरूप व्यवहार करें जिसे कि हम उचित मानते हैं। तो समूह या समाज के भीतर उचित व्यवहार को निर्धारित एवं नियंत्रित करने के लिए नॉर्म्स होते हैं, नियम होते हैं, अपेक्षाएं होती हैं। गणितीय शब्दों में अगर हम बात करें तो नियम और कानून हैं जिनके अनुसार हम संख्यात्मक मूल्यों के साथ काम करते हैं और काम करके निष्कर्ष निकालते हैं। तो नॉर्म्स क्या हैं? एक तरह से वो सिद्धांत हो सकते हैं, वो नियम हो सकते हैं जिनके अनुरूप हम कार्य करते हैं। जैसे कि दो और जोड़ दो, तो जोड़ क्या है? एक नियम है। तो जब भी दो संख्याओं के बीच में जोड़ का चिन्ह होगा हम उनको जोड़ेंगे, माइनस का होगा हम घटाएंगे, भाग का होगा तो हम भाजन करेंगे। तो इस तरह से ये नियम होते हैं, अपेक्षाएं होती है कि हमें कैसा काम करना है, किस तरह से काम करना, क्या सटीक है क्या गलत है।